ये है दिल्ली दर्पण। सभी साथियों को नमस्कार। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है, आम आदमी परिवार के लिए बहुत खुशी का मौका है कि आज हमें दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से चार साथियों ने आम आदमी पार्टी को अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज्वाइन करने का निर्णय किया है। अलग अलग विधानसभाओं से हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को उन्होंने मजबूती से अपनी ज़िंदगी को ढाला हुआ है। बिजनेस में हैं, राजनीति में हैं, सामाजिक क्षेत्रों में हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जब अलग अलग क्षेत्रों से लोग ये देख कर कि आम आदमी पार्टी पिछले 7 सालों से किस तरह का जनता के लिए काम कर रही है, जनता की परेशानियों को हर तरह से दूर करने का संभव प्रयत्न कर रही है, किस तरह से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि अब दिल्ली के बाहर के राज्यों में भी आम आदमी पार्टी किस तरह से तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लोगों का विश्वास जीत रही है, लोगों की आस अब आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे समय में जब हमारी दिल्ली से लोग आकर जुड़ रहे हैं तो हमें बहुत खुशी है। उन सब से हमारी मुलाकात हुई, सब ने ये विश्वास दिलाया है कि वो जैसा कि पार्टी जिस तरह का उन्हें काम देगी, रोल देगी, वो उन सब रोल्स को, काम को सही ढंग से निभाएंगे। बहुत ही अच्छी, हम बहुत खुश हैं। और मैं इन चारों का आज नाम आपको बताना चाहता हूं और एक एक करके हम ज्वाइन करते हैं, है ना। हमें अंबेडकर नगर विधानसभा से श्री संजय चौधरी जी हमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी जी कई तरह के सामाजिक कार्य में लगे हैं, बच्चों को स्किल्स की शिक्षा देते हैं, महिलाओं को विशेषकर रूप से कॉलेज के माध्यम से उन्हें नौकरियां दिलवाने का भी काम करते हैं। राजनीति से भी ये जुड़े हुए हैं, पिछले कई सालों से भाजपा के एंटी करप्शन सेल के वो सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया है। वो दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम उन्हें अपने परिवार में शामिल करते हैं, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। दूसरा पुष्पेंद्र सिंह जी थोड़ा सामने आ जाइए। पुष्पेंद्र जी रोहिणी के निवासी हैं, बवाना विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और ये एक बिजनेसमैन हैं। इनकी अपनी कंपनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राजनीति से यद्यपि इनका पिछला कोई नाता संबंध नहीं रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखकर इन्होंने पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया, पार्टी में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, हम सबके साथ मिलकर दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी में। तीसरा दिनेश शर्मा जी आइए थोड़ा सा। दिनेश जी जरा सा एक बार दिनेश जी गांधीनगर के निवासी हैं, राजनीति से भी, और ये सबसे बड़ी बात है, कथावाचक रहे, बहुत अच्छी बात है। मैं इनसे बात कर रहा था, इन्होंने कहा मन में बहुत शांति रहती है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ कई सालों से, 1984 से विभिन्न पदों पर काम किया है, उनके लिए कांग्रेस के लिए अपनी सेवाएँ दी हैं और कई एसोसिएशंस के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अजीत नगर के अध्यक्ष रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं व्यापार मंच अजीत नगर के,
शिव मंदिर समिति अजीत नगर के सेक्रेटरी रह चुके हैं। आपके आने से पार्टी को बहुत हार्दिक प्रशंसा है, बहुत हमें खुशी है। अंत में आज के जो अंतिम व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका नाम श्री सुनील सिंघल है। सुनील जी व्यापारी हैं पेशे से, स्टेनलेस स्टील का इनका बिजनेस है वजीरपुर में। कई सालों से वो भाजपा के साथ भी जुड़े थे, भाजपा के त्रिनगर क्षेत्र के वो ट्रेडर्स विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं। समाज में इनका बहुत अच्छा रुतबा है और इन्होंने भी विश्वास जताया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर हम सब के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आप सबका पार्टी में दिल से स्वागत है। अब जो है हमारे जो विधायक साथी हैं, एक एक करके पार्टी की तरफ से सम्मान के तौर पे फटका पहना के और कैप पहना के जो है इनका स्वागत कर देंगे। अजय दत्त जी हैं हमारे साथ, वंदना कुमारी जी हैं, नितिन त्यागी भाई हैं और जय भगवान जी हैं। अजय दत्त जी स्वागत करेंगे। सिंघल साहब का स्वागत करेंगी वंदना कुमारी जी। दिनेश शर्मा जी का स्वागत जो है नितिन त्यागी जी और हमारे एलओपी त्यागी जी करेंगे। नितिन त्यागी और पुष्पेंद्र जी का स्वागत भवाना से हमारे विधायक जी करेंगे। बड़ी मुश्किल से आए हैं वापस। चलिए सबको बहुत बधाई, सबको धन्यवाद करूँगा, धन्यवाद तो कर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर